हेलो गाइस, मैं हूँ सुनीता। आप देख रहे हैं टेक्नो सुनीता। गाइस, आज हम सीएसएस और एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पे गाइस आज हम देखेंगे एक ब्यूटीफुल कार्ड स्टाइल, बहुत ही सुंदर अच्छा इफेक्ट नए स्टाइल में। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसका ओवर इफेक्ट बनाया हुआ है और बॉर्डर रेडियस से और बॉक्स बॉर्डर से यूज किया हुआ है। बहुत ही ईजी है गाइस। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल ओपन किया हुआ है और वो बेसिक एचटीएमएल है, जैसे यहाँ पे डॉक टाइप, एचटीएमएल टैग, हेड टैग। हेड में कुछ जरूरी फाइल को मैंने लिंक किया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे मेरा बूटस्ट्रैप है, स्टाइल है और फॉन्ट ऑसम का सीडीएन है। लेट्स सी गाइस, अभी हम मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन टैग लेंगे, सेक्शन को एक क्लास देंगे। देन रो और कॉलम रो करेंगे, कॉल एमजी वर्क, देन एक उसके अंदर का एक मेन मेन ड्यू लेंगे कार्ड ब्लॉक करके, ओके। जब मैंने इसका सेट किया, इसका स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। फिर हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे, सोर्स इमेज का पार्ट ऐड करेंगे, गाइस मैंने इसको रन किया। ये मेरा प्रीव्यू आप देख सकते हैं गाइस, ये इमेज बहुत बढ़िया आ रही है, इसके लिए हम सीएसएस लिखते हैं। इसकी ओरिजिनल साइज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये मेरा हेडिंग है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ओके। अब हम सीएसएस में जाएंगे गाइस, मैंने यहाँ पे मैंने गूगल फॉन्ट ऐड किया हुआ है, बॉडी में फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया, ओपन सेंस, देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, के लिए सी एस एस लिखेंगे। इसको हम बॉर्डर देंगे, सबसे पहले बॉर्डर 260 रेड ऐड कर देते हैं, रेड कलर बॉर्डर रेड, बॉर्डर राइट, कंट्रोल एस किया, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम हम करेंगे 4 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस मेरा 200 पिक्सल, टॉप लेफ्ट टॉप राइट 0 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट हैंड राइट, सॉरी बॉटम लेफ्ट हैंड राइट, ओके। अब हम इसके लिए इमेज के लिए लिखेंगे, इमेज का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, इमेज सेपरेटर से IMG मैक्स विड्थ 100%,
हाइट ऑटो रेडियस 200, जो मैंने टॉप ड्यू में दिया है वही यहाँ पे ऐड करेंगे इफेक्ट के लिए। ठीक है ओके, हम यहाँ पे क्लास ऐड किए हैं। कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स को मैं करूँगी पैडिंग 15 पिक्सल, देन ऐड करेंगे कंटेंट बॉक्स को हेडिंग, हेडिंग के लिए स्टाइलिंग स्त्री, टेक्स्ट अलाइनिंग सेंटर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, देन गाइस हम पैराग्राफ के लिए ऐड करेंगे जो डिस्क्रिप्शन दिया है पीटर, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, फॉन्ट वेट 300, पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर हम बॉटम 6 8। हाँ गाइस ये हेडिंग है, हेडिंग से टॉप मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, परफेक्ट। नाउ ओवर, नाउ अब हमने इसमें ओवर इफेक्ट, नाउ गाइस चेक करेंगे अभी ओवर इफेक्ट, ये आउटलाइनर जो बॉर्डर का कलर है उसको चेंज करेंगे माउस ओवर पे। ये बॉर्डर का कलर मेरा मेन डीआईबी से आ रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजिशन, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ट्रांजिशन गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजिशन यूज करती हूँ ताकि इफेक्ट इसका स्मूथ हो। 0.3 सेकेंड, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर विथ यूज करना था, बॉर्डर विथ
बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, देख सकते हैं। अब हम इसका प्लॉट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो मैंने सेक्शन सेक्शन को एक क्लास दिया हुआ है इसको हम सीएसएस लिखेंगे। पैडिंग 100 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट साइड 0। यहाँ पे बॉक्स पैड यूज करते हैं 0 पिक्सल लेफ्ट एक्सेस में, वाई एक्सेस में ब्लर देते हैं उसको 5 पिक्सल, RGB कलर, जीरो, 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 ट्रांसपेरेंट के लिए इसका